आदि मानव ने आग की खोज कैसे की थी, चलिए जानते हैं। दोस्तों, आग की खोज आज से लगभग 150,000 साल पहले हुई थी। पूरा पाषाण काल में पत्थरों को रगड़ने से आग की उत्पत्ति हुई थी। ऐसा माना जाता है कि आदि मानव पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे होंगे, तब अचानक दो पत्थर आपस में टकराए होंगे और चिंगारियां निकली होगी, जिसे देखकर आदि मानव हैरान हुए और उन्होंने भी पत्थरों को रगड़कर उस चमकदार रोशनी को देखना चाहा होगा। शुरुआत में आदि मानव इस आग से डरते थे, लेकिन जब उन्हें इसका इस्तेमाल करना आया तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस समय गुफाओं में रहने वाले आदि मानवों ने गुफा के मुंह पर आग जलाना शुरू कर दिया, ताकि जंगली जानवर अंदर ना आ सके। धीरे धीरे आदि मानवों ने सर्दी में भी आग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और तब से आग का आविष्कार मानव की महान खोजों में शामिल हो गया।